तो भाइयों और बहनों, 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं, जहां बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार का पूरा चिट्टा कट्टा खुल चुका है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कंगना से लेकर स्मृति ईरानी तक, हेमा से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा तक, मनोज तिवारी से लेकर पवन सिंह तक और खेसारी लाल यादव से लेकर बाकी चुनावी सितारों का इस बार क्या रिपोर्ट कार्ड रहा, कौन जीता कौन हारा, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। खास तौर से किसने चौंकाया और किसने सबसे ज्यादा पब्लिक को हराया। बहरहाल लोकसभा चुनाव का रिजल्ट बहुत दिलचस्प रहा, जहां एनडीए बहुमत में तो है बट दूसरी ओर इंडिया ने जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। 10 साल में पहली बार बीजेपी को गठबंधन के भरोसे सरकार चलानी पड़ेगी। खैर बात करते हैं फिल्मी सितारों की। फिल्मी सितारों में हाई प्रोफाइल सीट से बहुत बड़े बड़े नाम चुनावी दांव आज मार रहे थे। जहां बॉलीवुड हीरोइनों ने भारी मतों से जीत दर्ज की है, वहीं भोजपुरी सुपरस्टार को झटका भी लगा है। सबसे पहले बात करते हैं कंगना की, जिन्होंने पहली बार ही डेब्यू करते हुए सुपर एंट्री मारी और विक्रमादित्य को बड़े चुनावी अंतर से हराकर साबित कर दिया कि वो बॉलीवुड के साथ साथ मंडी की भी क्वीन है। इसके बाद टीवी के राम के तौर पर फेमस हुए अरुण गोविल ने भी मेरठ से चुनावी जीत दर्ज कर ली। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा को काफी वोटों से हरा दिया। और डिंगल हेमाली ने तो हैट्रिक मारी है, मथुरा से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर साबित कर दिया उन्होंने वो बॉलीवुड में भी लंबी पारी खेलने आई थी और राजनीति में भी लंबी पारी खेलकर ही जाएंगी। वहीं पर दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी ने चुनावी मुकाम अपने नाम कर लिया है। उन्होंने कांग्रेस के कन्हैया को भारी मतों से हराया, एक बार फिर से पूर्वांचलों के दिलों में राज कर रहे हैं। इसके अलावा भोजपुरी के एक और सुपरस्टार रवि किशन ने इस साल लापता लेडीज से अपने नाम में फिल्मी कैरियर में काफी इज्जत जोड़ी और गोरखपुर से चुनाव जीतकर अपनी इज्जत को दोगुना आगे बढ़ा दिया है। बट सबसे बड़ी बैड न्यूज आई भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के लिए, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। उन्हें समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव से करीब 1.5-2 लाख वोटों से हारना पड़ा। इसी तरह की फजीहत हुई पवन सिंह की। पवन सिंह को पहले भाजपा ने आसनसोल से टिकट दिया था, बाद में अश्लील गानों के चलते छीन लिया। इसी जीत में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन मुंह की खा चुके हैं, अब उनके नाम पर काफी फजीहत हो रही है। जबकि बॉलीवुड के शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी का दामन छोड़कर तृणमूल कांग्रेस से चुनाव लड़ा और इस बार चुनावी जीत हासिल करके अपने रिटायरमेंट को सेफ कर दिया है। बहरहाल लोकसभा चुनावों में ममता बनर्जी को 3 एक्ट्रेस रचना बनर्जी, सयानी घोष और जून मालिया को तृणमूल सीट से उतारना काफी फायदे का सौदा साबित हुआ। सयानी घोष जादवपुर सीट से और जून मालिया मेदिनीपुर सीट से चुनाव जीत चुकी हैं। वहीं रचना ने भी पश्चिम बंगाल के हुगली सीट से काफी हद तक अपने आप को आगे रखा। अगर बात साउथ की करें तो वहां से साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के लोगों ने काफी हद तक खुशी का सामना किया, बिकॉज पवन कल्याण की पार्टी राज्य में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पवन कल्याण की जीत ने एक तरह से उनके फिल्मी करियर के बाद पॉलिटिकल करियर के रास्ते खोल दिए हैं। बहरहाल राजनीति में जहां पर पुराने दिग्गज अपने चुनावी दांव पे आजमाते हैं, वहां हमेशा बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार अपने ग्लैमर से अपनी पॉपुलैरिटी से उनको मात दे देते हैं। इस बार 2-3 एक्टर को छोड़ दें तो मोस्टली लोगों ने जीत दर्ज करके बता दिया है कि वो सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि कामयाब नेता भी बन सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।